स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड योर तन मन इज ऑल्सो फाइन। टुडे इज योर मैथ डे। ओके, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना था ना, इसलिए आपका कौन सा सब्जेक्ट का डे है? टुडे इज मैथ डे। ओके, सो लेट्स लुक एट हियर। दिस इज योर मैथ बुक। ओपन दिस बुक, टर्न दिस पेज, पेज नंबर 5। चिल्ड्रन, मैंने आपको मोर लेस और इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से स्टडी कराया था। ओके, अच्छे से मैंने आपको ये रीड कराया था। आई विश आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का मैंने आज होमवर्क आपको कॉपी के अंदर दिया है। लुक एट सी। सबसे पहले आप क्या यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, जो भी डेट होगी वो डेट राइट करेंगे। चैप्टर का नेम जो रहेगा मोर लेस और इक्वल, इसको राइट करेंगे आप। होमवर्क इतना आपको कॉपी के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। पुट द करेक्ट थिंग। ओके, आपको जैसे मैंने बताया था, क्रोकोडाइल क्या ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खाता है, वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें ईट करता है, कम चीज़ें नहीं ईट करता है, वो ज़्यादा ही चीज़ें ईट करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सिंबल मैंने राइट किया है। अब आपको बताना पड़ेगा इनमें से क्रोकोडाइल कौन से नंबर्स को खाने के लिए अपना माउथ ओपन करेगा। ओके, 28, 32। आपको ये वर्क कॉपी के अंदर अच्छे तरीके से करना है। ओके, देखिए इस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप इस तरीके से नंबरिंग राइट कर लेंगे, वन बॉक्स यहाँ से लीव कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट बॉक्स में हम 28 राइट करेंगे, फिर वन बॉक्स लीव करके वन बॉक्स में इस तरीके से अंडरलाइन से कवर कर देंगे, फिर वन बॉक्स लीव करके 32। आपका वर्क एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। डर्टी वर्क होगा तो मैं आपको पुअर दूंगी। अगर अच्छा वर्क आया आप लोग का तो मैं आपको गुड, एक्सीलेंट, स्टार सब दे सकती हूँ। ओके चिल्ड्रेन, इस तरीके से जैसे मैंने नीट एंड क्लीन राइट किया, इसी तरीके से आप कॉपी के अंदर राइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। विच नंबर इज ग्रेटर देन, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने आपको बताया है। टेल मी समथिंग। 32 लेस देन, 32 लेस देन। ओके, आपको इस नंबर में से चूज करना है। वेरी गुड, 8 इज लेस देन। इस तरीके से आपको नंबर पहचान करके खुद से करना है इसको, कौन सा जो नंबर बिग होगा उसी की तरफ आप माउथ ओपन कर देंगे। ओके चिल्ड्रेन, ये है आपका मैथ का वर्क। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मैंने आपको ऑर्डिनल नंबर के बारे में बताया है। ऑर्डिनल नंबर में कैसे आप पोजिशन में खड़े होते हो, ठीक है ना। ये भी बताया है कि एलिफेंट स्टेयर से, डाउन स्टेयर से अप स्टेयर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ। ओके, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था करने के लिए। राइट द ऑर्डिनल नंबर दैट टेल द प्लेस ऑफ ईच आइटम। आपको इसमें से बताना था कौन सी आइटम्स जो है कौन से प्लेस पे, आपको यहाँ पे प्लेस राइट करना था कॉपी के, बुक के अंदर। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको कॉपी के अंदर वर्क दे रखा है। आप देखिए कि कॉपी के अंदर वर्क कैसे करना है, वो मैं एक बार आपको अच्छी तरीके से बता दे रही हूँ, फिर आप अच्छे से कॉपी में उसको राइट करिएगा। ओके चिल्ड्रेन, राइट ऑर्डिनल नंबर दैट टेल प्लेस ईच ऑफ ईच आइटम्स। ओके, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें ये करना है कि आप जैसे कि मैंने ये स्लिपिंग लाइन करके उस पर सारे ऑर्डिनल नंबर राइट कर दिए हैं, उसके नीचे मैंने क्या पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, दिख रहा है ना आपको, मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, आपको प्लेस बताना है कि फिगर्स की प्लेस क्या है, पिक्चर्स की प्लेस क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। What is the position of grapes? Tell me. What is the place of grapes? Yes. 10th. मैंने यहाँ 10th write किया. What is the place of apple?
सेकेंड, वेरी गुड. व्हाट इज द प्लेस ऑफ ट्राइंगल? थर्ड. आई विश आपको समझ में आ रहा होगा. व्हाट इज द लीफ ऑफ प्लेस? लीफ कौन सी पोजीशन पे? लीफ नाइन्थ पोजीशन पे. हम यहाँ पे नाइन्थ राइट कर देंगे. व्हाट इज द प्लेस ऑफ बॉल? बॉल कौन सी प्लेस पे? फर्स्ट प्लेस पे. हम यहाँ पे फर्स्ट राइट कर देंगे. ओके, मैंने यहाँ पे फर्स्ट राइट कर दिया. व्हाट इज द प्लेस ऑफ आइसक्रीम? आइसक्रीम कौन सी प्लेस पे? वेरी गुड, फिफ्थ प्लेस पे. मैंने यहाँ फिफ्थ ऑर्डिनल नंबर राइट कर दिया. व्हाट इज द प्लेस ऑफ कैंडल? वेरी गुड, सेवेंथ पोजिशन. व्हाट इज द प्लेस ऑफ स्टार? वेरी गुड, सिक्स पोजिशन. व्हाट इज द मैंगो प्लेस? गुड, एट. इस तरीके से आपको कॉपी में भी मैंने होमवर्क दिया है. आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा पैटर्न कि कॉपी के अंदर इसी के अकॉर्डिंग राइट करना है. ओके, तो मैं आपको कॉपी के अंदर का वर्क बताती हूँ. लुक एट चिल्ड्रेन, सबसे पहले आप डेट मेंशन करोगे, ऑर्डिनल नंबर यहाँ पे राइट करोगे. इस तरीके से आप यहाँ पे डेट मेंशन करोगे. नेक्स्ट, इस तरीके से आपको वन लाइन इस तरीके से राइट करना है. ओके, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, ओ आर डी आई एन ए एल ऑर्डिनल, एन यू एम बी या नंबर, टी एच ए टी दैट, टी ई डबल एल टेल, पी एल ए सी ई प्लेस, ओ एफ ऑफ, ई ए सी एच ईच, आई टी ई एम आइटम. ओके, राइट ऑर्डिनल नंबर दैट टेल्स प्लेस ऑफ ईच आइटम. जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है ना, इसी के अकॉर्डिंग मैंने वर्क दिया है आपको. ठीक है, देखिए ऐसे आप पहले स्केल की हेल्प से एक इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करोगे. ओके, फिर यहाँ पे आप वन से लेकर टेन नंबर राइट करोगे. आई विश समझ में आ रहा होगा ना आपको चिल्ड्रेन. इस तरीके से आप वन से लेकर टेन तक नंबर ड्रॉ करोगे. फिर फर्स्ट में एस टी लगता है, सेकंड में एन डी, थर्ड में आर डी, बाकी फोर्थ से लेकर टेंथ सब में टी एस टी एस लग जाता है. तो फोर्थ, फिफ्थ बोल के देखिए, फोर्थ थाक साउंड निकल रहा है ना. फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ. ओके, फिर आपको उसी जस्ट उसी नंबर के नीचे आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है. फर्स्ट नंबर के नीचे मैंने बॉल ड्रॉ की है, सेकंड नंबर के नीचे वन बॉक्स में देखिए एप्पल ड्रॉ किया है, थर्ड नंबर पे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, फोर्थ नंबर पे मैंने ट्री ड्रॉ किया है, फिफ्थ पे आइसक्रीम ड्रॉ है, सिक्स्थ पे स्टार ड्रॉ किया है, सेवन्थ पे कैंडल ड्रॉ किया है, एट्थ पे मैंगो, नाइन्थ पे लीफ, टेंथ पे ग्रेप्स. इस तरीके से मैंने पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए. नंबर ऊपर राइट करोगे इसी के अकॉर्डिंग. देखिए मैंने कुछ पिक्चर्स जो है ऊपर नीचे करके बना दिए, आगे पीछे करके. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ग्रेप्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, एप्पल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल ड्रॉ किया है, लीफ ड्रॉ किए, बॉल ड्रॉ किए. इस साइड की जगह तो अब है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर दिया. आइसक्रीम ड्रॉ किए, कैंडल, स्टार एंड मैंगो. इस तरीके से आपको कॉपी के अंदर नीट एंड क्लीन राइट करके टू बॉक्स लीव करके यहाँ पे इस तरीके से अंडरलाइन करनी है टू बॉक्स पे. फिर आपको ग्रैप्स की प्लेस वैल्यू क्या है, आपको ग्रैप्स का प्लेस बताना है. ग्रैप्स कौन से प्लेस पे? ठीक है, ग्रैप्स का प्लेस आप यहाँ पे राइट करोगे. एप्पल का प्लेस आप यहाँ पे राइट करोगे. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. सारे पिक्चर्स के प्लेस आपको राइट करने हैं. दिस इज़ योर ऑर्डिनल नंबर एंड दिस इज़ योर मैथ होमवर्क. आपको मैथ में कितने होमवर्क मिले हैं? टू होमवर्क दिया है ना मैंने. फर्स्ट मैंने आपको ये मोर लेस और इक्वल ये होमवर्क में दिया है.
सेकंड मैंने आपको ऑर्डिनल नंबर ये मैंने होमवर्क में दिया, ये आप जब अच्छे से होमवर्क राइट कर लोगे कॉपी के अंदर, मैं चेक कर दूंगी, तब मैं आपको मैथ में नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ूंगी। ओके चिल्ड्रेन, ये रहा आपका होमवर्क मैथ का, आई विश आपको समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रेन आई विश चिल्ड्रेन आपको मैथ का वर्क समझ में आ गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको मैथ की कॉपी में वर्क कंप्लीट करना है। ओके, और आपको टेबल भी लर्न करनी है, जैसे कि आपकी टीचर्स ने प्रीवियस क्लास में आपको 2 से 10 तक टेबल लर्न कराया। ओके, अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 11 से स्टार्ट करना है। ओके, तो मैंने आपको 11 की टेबल दी थी लर्न करने को, तो आप 11 की टेबल लर्न करके रफ कॉपी में अच्छे से राइट करिएगा। ओके, इतना ही रहा आपका होमवर्क, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कैसे क्या करना है। आज के लिए इतना, बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे